हेलो इंजीनियर्स, आज हम लोग सीखेंगे एक रेडियो कैसे बनाते हैं, वो भी बिना पावर के। मतलब बिना पावर के आप रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन इसको सुनने के लिए आप लोगों को हेडफोन चाहिए। इस हेडफोन से आप लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ही वायर देख रहे हैं ब्लैक कलर का। ये है ग्राउंड, मतलब आप जो अर्थ है, मतलब मिट्टी पे आप इसको लगाएंगे, तो लगाने के बाद इसका ग्राउंड मिल जाएगा। और ये जो एंटेना है, इस एंटेना के माध्यम से फ्रीक्वेंसी ये कैच करेगा। कैच करने के बाद हम लोग इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐसे मिलाएंगे, जनरेट करके हम लोग जो फ्रीक्वेंसी में जो रेडियो चल रहा है वो रेडियो का साउंड हम लोग सुन सकते हैं इस हेडफोन से। अगर इसका साउंड बढ़ाना है तो आप लोगों को एम्पलीफायर की चाहिए, तो एम्पलीफायर की जरूरत होगा। एम्पलीफायर आप लगाएंगे तो इसका साउंड बढ़ा के आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर हेडफोन लगाएंगे तो बिना पावर के आप इससे सुन सकते हैं रेडियो। तो चलिए, ये जो रेडियो है वो किस प्रकार से बनते हैं देखते हैं। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे आप हेडफोन लगाएंगे तो कोई पावर की ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट हेडफोन से आप लोग इसको सुन सकते हैं रेडियो को। तो हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करके आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी को मिला के आप सुन सकते हैं। अगर आपको साउंड ज़्यादा चाहिए तो अलग से एम्पलीफायर लगाना होगा, तो मैं आपको सुनाऊँगा अलग से एम्पलीफायर लगा के रेडियो सुनाऊँगा। तो इसको पहले ग्राउंड पर लगा देते हैं, तो ये जो क्लिप है इसको ग्राउंड पर लगा देंगे। तो अभी ये ग्राउंड पे लग गया है, तो अभी हम लोग ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एम्पलीफायर देख रहे हैं, इस एम्पलीफायर से हम लोग इसका साउंड भरा के हम लोग रेडियो सुनेंगे। तो इसका जो जैक है वो हम लोग अभी इस पर लगाएंगे। तो अभी लगा दिया, तो अभी इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग चलाएंगे। तो पहले इसका साउंड भरा देते हैं। तो देखिए अभी इसका साउंड आ गया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेक करेंगे। तो अभी देख सकते हैं ये अच्छी तरह ये रेडियो सुन सकते हैं। अगर इस हेडफोन से हेडफोन लगाएंगे तो आपको पावर देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप सुन सकते हैं। तो चलिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से बनते हैं देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं पुराना मॉडल का जो रेडियो है उसका फ्रीक्वेंसी जब भी हम लोग जनरेट करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होकर हम लोगों को बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में जो चैनल होते हैं वो सुनाई देता है। इस रेडियो के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं जिसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन आज हम लोग इजी तरीके से रेडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले बात है, रेडियो के अंदर जो कॉयल रहता है इसी कॉयल के अंदर रेडियो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉयल को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो कॉयल रहता है। पहला जो कॉयल है वो है प्राइमरी कॉयल यानी कि फर्स्ट कॉयल, इससे जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट होते हैं। और सेकेंडरी कॉयल जो होते हैं वो थोड़ा लंबा होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉयल, जिससे फ्रीक्वेंसी कैच करेगा। तो हम लोग प्राइमरी कॉयल के जो एक नंबर वायर है इसको हम लोग एंटेना में कनेक्शन करेंगे और दूसरा हम लोग ग्राउंड पे कनेक्शन कर देंगे ताकि फ्रीक्वेंसी जनरेट हो सके, जिसके माध्यम से फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैच करके यहाँ पे कॉयल से होकर ग्राउंड पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाला कॉयल कैच करेगा और सेकेंडरी कॉयल के इस वायर को हम लोग ग्राउंड पे कनेक्शन कर देंगे।
और दूसरा वायर हम लोग स्पीकर के एक नंबर कनेक्शन पे कर देंगे, और स्पीकर के जो दो नंबर कनेक्शन होगा इसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्शन कर लेंगे, और इसी ग्राउंड से एक एल्यूमिनियम का जो वायर है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए जनरेट करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हम लोग कैच कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं।